नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक कॉमर्स पे आप सभी लोगों का आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फ़ोटोग्राफी की बहुत ही बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम होती है। लोग DSLR कैमरा खरीद लेते हैं, फ़ोटोग्राफी के शौक जिनको रहता है DSLR कैमरा परचेज़ कर लेते हैं और वो ऑटो मोड पर ही फ़ोटोग्राफी करते चले जाते हैं। कैमरे की जो बेसिक थिंग्स हैं उनको मालूम नहीं होती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जिन लोगों को कैमरे की बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है। दोस्तों, कैमरे की जो DSLR में बेसिक चीज़ें होती हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिनकी पड़ती है और हर जहां आप किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफी करो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो तीन बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको इस कैमरे में बताऊँगा। DSLR आपका चाहे किसी भी कंपनी का हो, निकॉन हो या सोनी हो या कोई भी कैमरा ले लीजिए, आप कैनन ले लीजिए, DSLR किसी का भी हो, लेकिन ये तीन चीज़ें फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फ़ोटोग्राफी में बिगनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने खासकर स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनको इन तीनों चीज़ों के यूज़ के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फटाक से आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें मैं और भी ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। कैमरे की सेटिंग्स को, कैमरे के मोड को, किस मोड को किस चीज़ में यूज़ करना है, कैसे फ़ोटोग्राफी में कैसा मोड यूज़ करना है, ये सब बातें मैं आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो आप लोग सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं छोटा सा वीडियो। तो यहाँ पर मेरे सामने है, मैं यूज़ करता हूँ निकॉन DSLR D5300। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है निकॉन D5300, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस कैमरे को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको एक बहुत, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने इसका डिस्प्ले ऑन करके रखा है। तो डिस्प्ले जब ऑन रहेगा तो इस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, इस तरीके का कुछ डिस्प्ले आता है कैमरे का। अब इस डिस्प्ले में मेन चीज़ है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे तीन गोले सर्किल बने हुए हैं, तीन गोले बने हुए हैं। इनमें पहला गोला है ये, दूसरा गोला ये है, तीसरा गोला है ये। तो पहला गोला दोस्तों, ये जो पहला सर्किल है ये है शटर स्पीड का, इसको बोलते हैं शटर स्पीड। दोस्तों, शटर स्पीड निकॉन D5300 में जो है आपकी 1/4000 सेकेंड तक मैक्सिमम इसकी शटर स्पीड है और इसकी जो मिनिमम शटर स्पीड है वो है 30 सेकेंड की। शटर स्पीड का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जैसे अगर मैंने अभी इस समय आप इसकी शटर स्पीड देख रहे हैं 1/40 सेकेंड, तो 1 सेकंड के 40वें हिस्से तक इसका शटर ओपन रहेगा किसी भी चीज़ का फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, उतने सेकंड उतने टाइम तक इसका ये शटर ओपन रहेगा। और अगर मैं शटर स्पीड को कम करके जो है कम करता जाऊंगा और मगर इसको सबसे कम पे लेके जाता हूं, तो ये आप देखेंगे ये मैंने कर दिया 30 सेकंड तक। 30 सेकंड इसका मिनिमम शटर स्पीड है, इससे ज़्यादा इसका शटर स्पीड आप नहीं कर सकते कम। तो इस शटर स्पीड का मतलब यह है कि 30 सेकंड तक इस कैमरे का शटर ओपन रहेगा और 30 सेकंड के बीच में जो भी चीज़ कैमरे के सामने से गुजरेगी, लेंस के सामने से, उस चीज़ का जो है ये फ़ोटोग्राफ कैप्चर कर लेगा। और इसका मैक्सिमम शटर स्पीड जो होता है इसका, वो होता है आपका 1/4000 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। 1/4000 सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड का 4000वां हिस्सा, उतने कम सेकंड में ये कैमरा जो है फ़ोटोग्राफ कैप्चर कर लेगा आपका किसी भी चीज़ का इस शटर स्पीड पे। तो इसके बीच में आप जितनी भी शटर स्पीड देखेंगे, उतने जितना शटर स्पीड रहेगा उस टाइम फ्रेम में ये कैमरा एक फ़ोटोग्राफ कैप्चर कर लेगा। इसका बेसिकली मेन यूज़ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और इसको ज़्यादा डिस्क्राइब में इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि इसका यूज़ हम किस किस चीज़ में किस किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी फ़ोटोग्राफी के लिए आपको कितने शटर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, दूसरा सर्किल आप जो देख रहे हैं ये है, यहाँ पे आप लिख के देख रहे हैं F 3.5। ये दूसरा सर्किल है, ये है एपरेचर। एपरेचर का दोस्तों मतलब होता है कि हमारे जो लेंस है, जब ये जो आप देख रहे हैं सामने इसका लेंस है, इस लेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेंस के बीच में आपको एक बीच में छोटा सा सर्किल दिख रहा होगा, और सर्किल जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो सर्किल आपको दिख रहा है यही इस लेंस का एपरेचर है। इस समय आपको बीच में सर्कल दिख रहा है, ये इसका एपरेचर है। इस एपरेचर को हम कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं, उसका जो है फ़ोटोग्राफी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये एक मैंने फ़ोटोग्राफ लिया था ब्लर बैकग्राउंड में,
अब बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं, यह भी आपको दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे करना होता है। फिलहाल मैं आपको मेन चीज़ पे आता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा एपरेचर इस समय 3.5 है दोस्तों, 3.5 एपरेचर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है सर्किल में जो है वाइट पोर्शन ज़्यादा है और ब्लैक पोर्शन कम है। इसका मतलब है इसका एपरेचर इस समय सबसे ज़्यादा खुला हुआ है। जैसे ही मैं इस एपरेचर को बढ़ाता जाऊँगा, अभी 4 5 ही देखिए, जैसे जैसे इसका एफ नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका वाइट पोर्शन कम होता जा रहा है। इसका मतलब इसमें कैमरे के अंदर लाइट उतनी कम आ रही है। तो एपरेचर जब मेरा 3.5 पे था उस समय मेरे कैमरे के अंदर सबसे ज़्यादा लाइट आ रही थी, और जब इस एपरेचर को मैं सबसे मैक्सिमम कर दूंगा यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये इसका सबसे मैक्सिमम एपरेचर है F22, मतलब इस समय इस कैमरे के अंदर सबसे कम लाइट आएगी इस एफ नंबर पे है। और एफ नंबर जितना ज़्यादा होता है एपरेचर उतना कम होता है, और एफ नंबर जितना कम होता है एपरेचर उतना ही ज़्यादा होता है दोस्तों। तीसरी मेन चीज़ हमारी आती है ISO। तो ISO का बताने से पहले मैं आपको एक ये और बताना चाहूँगा कि एपरेचर से जो लाइट हमारे कैमरे के अंदर आती है उसका हमारे फोटोग्राफी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फोटो हमारा ब्राइट होगा डार्क होगा, ये हमारा एपरेचर काफ़ी हद तक उसको डिसाइड करता है। तो दोस्तों तीसरी और मेन चीज़ जो है एक अच्छी फोटोग्राफी के लिए वो होती है हमारी कैमरे की ISO। ISO का मतलब होता है दोस्तों लाइट सेंसिविटी। और तीसरा सर्किल ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बना हुआ, ये सर्किल है ISO का। तो यहाँ पे आपको ISO लिखा हुआ भी दिखाई पड़ जाएगा, देख सकते हैं। और इस ISO को जो हम अगर दिन में फोटोग्राफी कहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे लाइट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो इस ISO की सेंसिविटी हमको कम रखनी पड़ती है। और अगर हम डार्क जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है, अंधेरा ज़्यादा है, लाइट कंडीशन कम है, लो लाइट है, या नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ISO ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ISO को कैसे चेंज करना है दोस्तों, ये आई बटन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस आई बटन को प्रेस करना है। आई बटन प्रेस करते हैं आपको यहाँ पे जो सामने देखेंगे ये ISO लिखा हुआ नज़र आ जाएगा स्क्रीन पे। तो आपको जो ये ऐसे जैसे ही नज़र आएगा यहाँ पे, आपको डायल पैड का ये जो डायल पैड है, इस डायल बटन का ही ओके बटन प्रेस करना है। और ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप सामने आपके ISO के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मिनिमम ऐसे ISO आपको दिखाई पड़ेगा 100 का, और इसका मैक्सिमम ISO जाता है 12,800 का, जो कि बहुत ही डार्कनेस में भी जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, लाइट बिल्कुल नहीं है, वहाँ कैमरा खुद की लाइट देखे, और लाइट सेंसर इसके ज़्यादा हाई हो जाते हैं उस समय, ज़्यादा लाइट सेंस करते हैं, कम लाइट को भी ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व कर लेते हैं ये, तो वहाँ पे ये फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी रहता है अंधेरे में भी। और अगर आप यहाँ पे भी आपको ये लाइट सेंसिटिविटी कम लगती है, तो यहाँ पे आप इसके एक ऑप्शन, तीन ऑप्शन और हैं, HI 0.3, HI 0.7 एंड HI 1। ये तीन ऑप्शन इसमें आपको और मिलते हैं जो कि और भी ज़्यादा डार्कनेस में आपको भी फोटोग्राफी करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ISO आपको अपने लाइट कंडीशन के हिसाब से यूज़ करना होता है। अगर लाइट कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप ISO अपने कम रखिएगा। इसमें कहूँगा कि अगर दिन में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, धूप अच्छी है, तो आप 100 से 200 के बीच ISO रखिएगा, आपका फोटो अच्छा आएगा। और अगर आपकी लाइट कंडीशन कम है या लो लाइट है, तो आप जो है तब आप 1000 से ऊपर जाइएगा लाइट ISO सेंस करने के लिए, तो उसमें आपके फोटोग्राफी अच्छी आएगी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको मेरे वीडियो से जानकारी मिली हो, तो मेरा चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा है बुरा जैसा भी लगा आप बताइएगा। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। ज़्यादातर नॉलेज वाले वीडियो ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, स्पेशली DSLR से रिलेटेड। और अगर निकॉन DSLR में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी सेटिंग समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आपके लिए बना के चैनल पे अपलोड करूँगा दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।